देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। भंडारा जिले में महिलाओं के लिए सुसज्ज अस्पताल की मांग कई वर्षों से शुरू थी। 2013 में आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में स्वतंत्र महिला अस्पताल मंजूर हुआ, किंतु कभी जगह तो कभी निधि की समस्या की वजह से करीबन 6 वर्षों के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। इस कार्यकाल में अस्पताल के निर्माण कार्य का बजट बढ़ने से और आगे बढ़ने की स्थिति थी, किंतु पालक मंत्री परिणय फुके के प्रयास से निर्माण कार्य का कार्यादेश निकाला गया। भूमि पूजन के बाद काम की शुरुआत होगी। भंडारा जिले का विभाजन होकर गोंदिया जिले की निर्मिति के बाद महिला अस्पताल गोंदिया जिले में चला गया, जिससे भंडारा जिले में स्वतंत्र महिला अस्पताल की मांग की जा रही थी। पालक मंत्री परिणय फुके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर महिला अस्पताल के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान कर अर्थ संकल्पीय पूरक मांगों को समाविष्ट करने संबंध की मांग की थी। इसी महीने में निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी है। 2013 में महिला अस्पताल को मंजूरी मिली थी, किंतु 6 वर्षों में जगह निश्चित होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। पूर्व विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने लगातार अवगत कर यह विषय कायम चर्चा में रखा। तत्कालीन पालक मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत के कार्यकाल में ही जगह एवं निधि की समस्या दूर हुई थी, किंतु इसके पश्चात भी काम शुरू नहीं होने से उन्होंने पिछले महीने में कार्यकारी अभियंता के पक्ष में शिव सैनिकों ने दस्तक दी थी।